नमस्ते, मैं इस गांव का एक टीचर हूं। और मैं हूं इस गांव की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे गांव में बच्चे अक्सर बीमार व थके हुए क्यों लगते हैं? इसके पीछे भी कारण हो सकता है जो हम अपनी आंखों से देखने में सक्षम नहीं हैं। चलिए हम खुद पता लगाने के लिए चलते हैं। गुड मॉर्निंग, तुम आज स्कूल अकेले जा रही हो? तुम्हारी सहेली स्वाति कहाँ है? स्वाति बीमार है, इसलिए वह स्कूल नहीं आ सकती। वह कुछ दिनों से बीमार रह रही है। ओह, उसके बार बार बीमार पड़ने का क्या कारण हो सकता है? चलिए उसके घर जाकर पता लगाते हैं। अरे देखो राजू, गंदे हाथों से खाना खा रहा है। आइए आइए, अंदर आइए। स्वाति को पेट में बहुत दर्द है, इसलिए वह स्कूल नहीं जा सकती। राजू और स्वाति बीमार रहने लगे हैं। अच्छा ये बताओ, क्या राजू ने अभी खाना खाने से पहले हाथ धोए? नहीं। क्या राजू व स्वाति खुले में शौच जाते हैं? हाँ, गांव के दूसरे बच्चों की तरह वे भी खुले में शौच जाते हैं। और वह नंगे पैर बाहर खेलते भी होंगे। संभव है राजू व स्वाति के आंत में कृमि हो, इसीलिए वे बीमार रहते हैं। कृमि क्या होते हैं और उनके आंत में कृमि कैसे हो सकते हैं? हम आपको बताएंगे ये कैसे होता है। सबसे पहले हम यह पता लगाते हैं कि कृमि क्या है और कैसे वे बच्चों की आंत में आ जाते हैं। कृमि परजीवी होते हैं जो जीवित रहने के लिए मनुष्य की आंत में रहते हैं। बच्चों में आमतौर पर तीन तरह के कृमि पाए जाते हैं, राउंड कृमि, व्हिप कृमि, हुक कृमि। यह कृमि अस्वच्छता के कारण फैलते हैं। संक्रमित बच्चे के शौच में कृमि के अंडे होते हैं। खुले में शौच करने से ये अंडे मिट्टी में मिल जाते हैं और विकसित होते हैं। अन्य बच्चे नंगे पैर चलने से, गंदे हाथों से खाना खाने से या फिर बिना ढका भोजन खाने से लार्वा के संपर्क में आने से संक्रमित हो जाते हैं। संक्रमित बच्चों में कृमि के अंडे व लार्वा रहते हैं और बच्चों के स्वास्थ्य पर हानि पहुंचाते हैं। मुझे नहीं पता था कि कृमि इतनी आसानी से फैल सकते हैं। कृमि संक्रमण का बच्चों पर क्या प्रभाव होता है? अब हम जानते हैं कि कृमि क्या होते हैं और वे कैसे फैलते हैं। अब देखते हैं कि उनके हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं। कृमि संक्रमण के कारण बच्चे बीमार रहते हैं और पढ़ाई में ध्यान कम दे पाते हैं। कमजोरी और दस्त के कारण वह स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र भी नहीं जा पाते। बच्चों को कृमि से सुरक्षित रखना आसान है और इसके कई लाभ हैं। खून की कमी में सुधार, बेहतर पोषण स्तर, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद, स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में उपस्थिति तथा सीखने की क्षमता में सुधार लाने में मदद। वातावरण में कृमि की संख्या कम होने पर समुदाय को लाभ। तो देखा आपने, कृमि कैसे आसानी से फैलते हैं और बच्चों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो कृमि पूरे समुदाय को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन राजू और स्वाति में कृमि नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? बच्चों को कृमि मुक्त करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की योजना बनाई है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल दवाई आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में निशुल्क खिलाई जाएगी। एल्बेंडाजोल की गोली कृमि नियंत्रण में मदद करती है। 1 से 5 वर्ष के बच्चों और स्कूल न जाने वाले बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवाई आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा खिलाई जाएगी। 6 से 19 वर्ष के बच्चों को यह दवाई स्कूल में टीचर द्वारा खिलाई जाएगी। जो बच्चे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर बीमारी या अनुपस्थिति के कारण छूट जाएं, तो उन्हें यह दवाई मॉपअप दिवस पर खिलाई जाएगी। हमें राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस से पहले बहुत सी तैयारियां करनी है। हाँ, अगर हम सारी तैयारियां अच्छे से कर लेते हैं तो हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी बच्चों को कृमि नियंत्रण की गोली सही तरीके से मिले। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस से पहले आप सुनिश्चित कर लें
कि आपके पास जरूरी सामान जैसे पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ, ANM और स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र के फोन नंबर, रिपोर्टिंग फॉर्म जरूर हो। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस से पहले आप सुनिश्चित कर लें कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस किट की पूरी सामग्री आपको प्रशिक्षण के समय प्राप्त हुई है, जैसे दवाई, हैंडआउट, IEC, रिपोर्टिंग फॉर्म। इन सब को मिलाकर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस किट तैयार हो जाती है। प्रशिक्षण में स्कूल से आए टीचर सुनिश्चित करें कि अपने स्कूल जाकर बाकी सभी टीचर को प्रशिक्षित करें। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस से जुड़ी पूरी जानकारी और आवश्यक सामग्री सभी टीचर को दें। कृमि नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में बच्चों, माता पिता और समुदाय को जागरूक करना जरूर याद रखें। आशा सुनिश्चित करें कि 1 से 19 वर्ष के सभी गैर पंजीकृत और स्कूल न जाने वाले बच्चों को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के बारे में पता हो और साथ ही बच्चों को प्रेरित करें कि इस दिन आंगनवाड़ी पर आकर कृमि नियंत्रण की दवाई अवश्य खाएं। अब हम यह तो जानते हैं कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस से पहले क्या करना जरूरी है। चलिए देखते हैं हमें राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के दिन क्या करना है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर आप सुनिश्चित करें कि आसपास ये सुविधाएं जरूर हों, जैसे पर्याप्त मात्रा में दवाई, साफ पानी और पीने के लिए गिलास, रिपोर्टिंग फॉर्म, ANM और स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र के फोन नंबर और उपस्थिति रजिस्टर जरूर हों। ध्यान दें, आयु के अनुसार ही दवाई की खुराक दें। 1 से 2 साल के बच्चों के लिए आधी गोली दें। गोली को चम्मच से चूरा करके पीने के पानी में मिलाकर ही पिलाएं। 2 से 3 साल के बच्चों के लिए एक पूरी गोली को 2 चम्मच के बीच रखकर अच्छी तरह चूरा करें और पीने के पानी में मिलाकर ही पिलाएं। 3 से 19 साल के बच्चों के लिए एक पूरी गोली को चबाकर खाने के लिए कहें, पीने का पानी साथ रखें। बिना चबाए खाए गई एल्बेंडाजोल दवाई का प्रभाव महत्वपूर्ण रूप से कम हो सकता है। अपने सामने ही हर बच्चे को दवाई खिलाएं। दवाई घर ले जाने को न दें। जो बच्चे बीमार हैं या कोई अन्य दवाई ले रहे हैं, उन्हें कृमि नियंत्रण की दवाई न खिलाएं। कृमि मुक्ति दिवस पर दवाई देने के साथ साथ उपस्थिति रजिस्टर में हर बच्चे के नाम के सामने सही का एक निशान लगाएं। सुनिश्चित करें कि मॉपअप दिवस पर दवाई लेने के बाद बच्चे के नाम के सामने सही के 2 निशान लगाएं। हमारा काम यही समाप्त नहीं होता, हमें राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के बाद भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। जो बच्चे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर बीमारी या अनुपस्थिति के कारण छूट जाएं, तो उन्हें दवाई मॉपअप दिवस पर खिलाई जाएगी। आशा कृमि मुक्ति दिवस पर छूट गए बच्चों के घर जाएं और मॉपअप दिवस पर आने के लिए प्रेरित करें। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के बाद सुनिश्चित करें कि आप राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और मॉपअप दिवस के रिपोर्टिंग फॉर्म संकलित कर समय पर जमा करें। टीचर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और मॉपअप दिवस पर लगाए हुए सही के निशान की संख्या अलग अलग संकलित कर हेडमास्टर को बची हुई दवाई के साथ दें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने रिपोर्टिंग फॉर्म और बची हुई दवाई ANM को जमा कराएं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के बाद बच्चों और माता पिता को प्रोत्साहित करें कि वे कृमि संक्रमण की रोकथाम के लिए साफ सफाई का ध्यान रखें। तो अब हमने देखा, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और मॉपअप दिवस पर सभी बच्चों को कृमि मुक्त कैसे किया जा सकता है। लेकिन हमें बच्चों को कृमि नियंत्रण की दवाई देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिन बच्चों की आंत में अधिक कृमि होते हैं, उन्हें दवाई लेने के बाद हल्का पेट दर्द, उल्टी या थकान महसूस हो सकती है। यह साइड इफेक्ट्स अस्थायी होते हैं और आमतौर पर आसानी से स्कूल व आंगनवाड़ी में संभाले जा सकते हैं। घबराएं नहीं और प्रतिकूल नीति चरणों का पालन करें। किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट्स होने पर बच्चे को खुली छायादार जगह में लिटाकर आराम कराएं। उसे पीने का साफ पानी दें। एल्बेंडाजोल चबाकर खाने वाली गोली है। फिर भी अगर गोली का टुकड़ा गले में अटक जाए तो बच्चे को छाती के बल अपनी गोद में लिटाएं और उसकी पीठ हल्के से थपथपाएं, जिससे गोली निकल जाए। अगर बच्चा ठीक महसूस न करे तो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में संपर्क करें।
कृमि नियंत्रण की दवाई खाने के साथ साथ कृमि संक्रमण की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण व्यवहार। आसपास सफाई रखें, जूते पहने, खुले में शौच ना करें, हमेशा शौचालय का प्रयोग करें, अपने हाथ साबुन से धोएं, विशेषकर खाने से पहले और शौच जाने के बाद। साफ पानी में फल व सब्जियां धोएं, खाने को ढक कर रखें, हमेशा साफ पानी पिएं, नाखून साफ और छोटे रखें। अब हम जानते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों में कृमि नियंत्रण कर उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि राजू और स्वाति अब कैसा महसूस कर रहे हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर राजू और स्वाति ने कृमि नियंत्रण की दवाई खाई। अब राजू और स्वाति स्वस्थ महसूस करते हैं। वह समुदाय में अपने दोस्तों को इन आवश्यक बातों के बारे में बताते हैं। सभी बच्चों को कृमि मुक्त करना हमारी जिम्मेदारी है। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा।